हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम में। देखिए दोस्तों, कमल को बीज से लगाने के मात्र 3 महीने के अंदर मेरे कमल पे कली आ गई, लेकिन बहुत दुख की बात है कि ये कली आई पिंक लोटस था, ये गुलाबी कमल था। दो कली आई हैं, एक उधर में आई है और एक इधर में। मैं दिखाता हूँ दूसरी कली भी आपको, वो सामने में नज़र आ रही होगी आपको दूसरी कली। एक कली भी आई और एक कली आई, ये गुलाबी रंग का कमल था, लेकिन मैं नहीं जानता कि हुआ क्या है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये कली फूल नहीं बन पाई, शायद पानी कम होने की वजह से। मुझे लगता है, देखिए ये सूख गई है बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पिंक लोटस था ये, बहुत प्यारी लगती अगर ये खिलता तो। ये पूरी सूख गई है, मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों सूखी है। और मेरा अपना मानना ये है कि क्योंकि मेरे तालाब में सिर्फ 3 फुट पानी है, यही एक रीज़न मुझे लगता है कि ये सूख गई है। शायद लोटस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और मैंने ये एक्सपेरिमेंट ही किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि होगा या नहीं होगा। मात्र 3 महीने में कली आई, लेकिन फूल नहीं बन पाई क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से ये सूख गई। बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, कलर अभी भी है बहुत अच्छा पिंक इसमें, लेकिन ये ड्राई हो चुकी है बिल्कुल। इसमें अब खिलने जैसी कोई संभावना नहीं रही है। आप देख सकते हैं नीचे से स्टेम से भी ये पीली हो चुकी है, यहाँ से सूख कर गिरने वाली है। तो दोस्तों, प्रयोग तो बहुत अच्छा रहा, कमल हुए भी बहुत अच्छे, लेकिन वजह वही रही कि हमें सफलता नहीं मिली फूल खिलाने में। नेक्स्ट टाइम मैं अब इस एक्सपेरिमेंट को एक प्लास्टिक के बड़े ड्रम में करूँगा और वहाँ पर देखूँगा कि मुझे क्या होता है। कमल तो बहुत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कमल ककड़ी मिल जाएगी, फूल नहीं मिले तो क्या हुआ। लेकिन मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था कि मेरा कमल का रिज़ल्ट कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा, प्लांट बहुत अच्छे, बहुत हेल्दी हुए। देख ही रहे हैं आप कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। मैं आपको पत्ता का साइज दिखाता हूँ, देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते आए हैं, कितने खूबसूरत कलियाँ भी आई हैं, बट फूल नहीं खिला। अननोन रीज़न, शायद पानी ज़्यादा चाहिए होता होगा, नमी मॉइस्चर की कमी से ये होता होगा, क्योंकि वो वाली कली तो काफ़ी डूबी हुई है पानी में, उसके बाद भी वो सूख गई। तो भी मुझे इसका शोध करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो बाद में मैं अपडेट करता हूँ अगर मुझे कोई रीज़न मिलता है। लेकिन मैं आपको दिखाया कि कमल को सीड से उगाया भी जा सकता है और उस पर कली भी आ सकती है, भले फूल नहीं खिला, लेकिन हो सकता है कि आपने उगाया हो तो आपके यहाँ फूल भी आया हो। तो दोस्तों, बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। वैसे तो दुख की बात है कि मेरे कमल पर फूल नहीं खिल पाया। मैं सोचा था आपको फूल दिखाऊंगा, बट ये सूख गया तो मैं फूल नहीं दिखा पाया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।